श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, जैसे विद्यार्थियों का यदि पूरा कोर्स होने की संभावना ना हो तो कुछ खास खास विषय बच्चों को पढ़ा दिया जाता है जिससे वो पास हो जाए, तो आपके बोध के दृष्टि से जो बहुत आवश्यक है उन विषयों को लूँगा कि आचार्य शंकर कहते हैं वो झाड़ू देने वाली जो सीख होती थी पहले वो अपने ऊपर के मूंज के छिलके से ढकी रहती है, वो निकाल दिया जाए तो सीख मालूम पड़ती है। यह जैसे चावल छिलके से ढका रहता है, धान दिखता है चावल नहीं दिखता, पर छिलका निकाल दिया जाए तो चावल स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि हम चावल की तरह या सीख की तरह हैं, बाकी हमारे ऊपर पांच कोश का छिलका चढ़ा है, यद्यपि हम हमसे ही सब कुछ हुआ है पर हमें ढाके है। जैसे पानी में शिवाल एक तरह की घास उगती है और शिवाल दिखने लगती है, पानी ढक जाता है, ऐसे ही अनादि अज्ञान से जो उत्पन्न अहंकार मन बुद्धि इंद्रियां देह आदि हैं, हमको यही मालूम पड़ते हैं या यही हम हैं ऐसा मालूम पड़ता है। जैसे चावल को खुद लगता हो मैं धान हूं, क्योंकि छिलका रहित चावल कभी अपने को पाया ही नहीं, पहले जन्म में भी धान था अब भी धान है और आगे फिर धान हो जाएगा, चावल को चावल होने का मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं आया। कोई पूछे ये कब से धान था, इसके पहले धान था, उसके पहले धान था, अब धान है, आगे क्या होगा धान। यद्यपि धान कभी भी बिना चावल का नहीं होता, शिवाल बिना पानी के नहीं होती, सीख छिलका बिना सीख का नहीं होता, सीख तो मुख्य है पर दिखाई ऊपर का सब पड़ता है। ऐसे ही इस आत्मा में पांच कोष चढ़े, पांच छिलके चढ़े हैं, इन पांचों अनुभवों को जब हम निकाल देते हैं तब आत्मा का अनुभव होता है। ये जो देह है ये भोजन से अन्न से बना है, अन्न माने केवल गेहूं चने नहीं, जो भी खाया जाता है वो अन्न है, तो यह शरीर अन्न से निर्मित होता है और यह शरीर अन्न खा खा के ही बढ़ता है। और पहले जब जन्म हुआ वो भी माता पिता के खाए अन्न से, जो रस रक्त मैदा मज्जा मांस वीर्य बना उसी से हम बने, जन्म भी उससे हुआ और उसी को खा के बढ़ता है। लेकिन कितना खाता पीता रहे, इस अन्न के बने हुए शरीर सदा नहीं रहते। कई लोग तो ये कहते हैं कि अन्न साल दो साल रह सकता है बिना बिगड़े, गेहूं चने, पर यदि उसका आटा बना दिया जाए तो महीने दो महीने ही रह सकता है, नहीं बिगड़ जाता है। और उस आटे की रोटी बना लो तो एक महीने दो महीने भी नहीं रहेगी और जल्दी बिगड़ जाएगी। तो ये रोटियों से बना है, ये इसका और भी ठिकाना नहीं, कहो आज ही बिगड़ जाए, गेहूं का तो ठिकाना है। तो ये उस अन्न से बना हुआ देह अन्नमय कोष कहलाता है, हमको यही मालूम पड़ता है। जैसे कोषों में भी ध्यान न दिया जाए तो ज्यादा हमको अन्नमय कोष ही मालूम पड़ता है,
यद्यपि पांच के बिना काम नहीं चले, एक दूसरे से जुड़े हुए, केवल मनोमय कोष ना हो, केवल मनोमय कोष ना हो, प्राणमय भी हो और अन्नमय भी हो। पेड़ में प्राण चलता है, सोए व्यक्ति के अंदर प्राण भी चलता है, शरीर भी है, केवल मनोमय विज्ञानमय कोष नहीं है। मनोमय और विज्ञानमय दो कोषों के ना होने से कुछ भी नहीं। शरीर यद्यपि समस्या है, शरीर मुख्य हेतु है जन्म मरण आदि विकारों का, पर फिर भी मन के बिना तन में कोई विकार का ख्याल नहीं आएगा। इसलिए जहां शरीर ज्यादा बिगड़ने बनने वाला है, पर इसके सुख दुख का हेतु इसके अंदर मनोमय कोष है। यहां तक अनेक तरह के कर्म, दुष्कर्म, इनका हेतु भी मन के संस्कार हैं, इंद्रियों से विषय का संपर्क है। पर यदि अंतःकरण सोया हो तो शरीर न दुष्कर्म कर सकता है न सत्कर्म कर सकता है। प्राण रहते हुए भी कई बार कामा का व्यक्ति, कामा बेहोश है, लोग उसे नाक से भोजन दे देते हैं, साल साल दो दो साल जीवित बने रहते, शरीर रहता है, प्राण काम करता है, लेकिन वह पाप पुण्य नहीं करता, उसको कोई वासना नहीं है। तुम्हारी गहरी नींद में भी मान लो हमें कामा का अनुभव नहीं है तो नींद का तो है, गहरी नींद में जाते हैं तो ना शुभ कर्म ना अशुभ कर्म, ना कोई वासना ना कोई दुख, एक तरह से हम आनंद में होते हैं। वहां पर भी एक आनंदमय कोष है, आत्मा नहीं। आत्मा तो हर कोष के समय है, पर आत्मा का पता नहीं चलता। जागृत में स्थूल शरीर में भी, सूक्ष्म शरीर में भी, प्राणमय प्राण और इंद्रियां, प्राण और कर्म इंद्रियां मिलकर जो कर्म करते हैं, ये प्राणमय कोष है। प्राण शरीर की रक्षा करता है, खून संचार करता है, शरीर को बढ़ाता है, ये प्राण का काम। पर इसी के कारण हम हिलते डुलते हैं, चलते हैं। प्राण नहीं हो तो कोई क्रिया नहीं होगी, कर्म नहीं होगा, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, कूद नहीं सकते, ये सारे कर्म प्राण के कारण होते। पेड़ बढ़ता रहता है, सोए सोए रक्त का संचार होता है, उबासी आती है, छींक आती है, अपान वायु होती है, हृदय धड़कता रहता है, ये सब प्राण का काम, शरीर का रक्षण करता है, उसका बड़ा महत्व है। यदि प्राण ना हो तो कोई काम नहीं कर सकते, प्राण का अपना महत्व है। शरीर ना हो तो मन अकेला कुछ नहीं कर सकता, यद्यपि अभी स्वप्नों में ऐसा लगता है करता है, पर जब भी शुरुआत की है शरीर के थ्रू हमने कर्म किए हैं, बिना शरीर के कोई कर्म का जन्म नहीं होता। इसलिए जब शरीर होता है तभी नूतन कर्म होते हैं, नए कर्मों का जन्म शरीर इंद्रियों के द्वारा ही होता है, विषय संपर्क होता है। इसलिए शरीर नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा, शरीर होता है तो कितने नए नए कर्म करके हम बुरे संस्कार अच्छे संस्कार बना लेते। इसलिए ये पांच ज्ञानेंद्रियां या ये जो शरीर, त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि, मल आदि का समूह, इसके अंदर खाया हुआ हजम होके मल भी रहता है। इसमें मुझे गुरुदेव कहते थे ये मल मूत्र का थैला है, इसके अंदर भरा रहता है तभी तो निकलता है, और कभी कभी नहीं तो यनीमा लेते, जब यनीमा लेते हैं तो पता चलता है
कि पेट में हमारे जाने के बाद भी भरा था, तो ये अन्नमय कोष आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा कोई इस तरह सड़ जाने वाली, गल जाने वाली चीज नहीं है, वो स्नायु नहीं है, ये जन्म से पूर्व मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता। ये स्थूल शरीर अन्नमय कोष जन्म के पहले नहीं था और मृत्यु के बाद नहीं रहता। अन्नमय कोष नहीं रहता, और जब अन्नमय कोष नहीं रहता तो अन्य जो कोष हैं मनोमय विज्ञानमय, वो इसी के द्वारा बाहर से संपर्क जोड़ते हैं। तो जब ये नहीं रहता तो बाहर का संपर्क टूट जाता है। देह के छूटते ही बाहर की चीजों से संबंध नहीं रहता। यहां तक स्वप्न में भी मनोमय कोष तो रहता है, पर अन्नमय कोष से संपर्क टूट जाता है। प्राण भी रहता है, पर प्राण का भी हमें पता नहीं रहता, और प्राण को तो खुद ही कुछ पता नहीं रहता। प्राणमय कोष बड़े महत्व का है, पर वो जड़ है, इसलिए वो आत्मा नहीं हो सकता। पेड़ में प्राण है, पर वो कुछ जानता नहीं। प्राण शरीर में रहते, शरीर रहते, जब हम स्वप्न में होते हैं, ये कुछ भी नहीं जानता। इसकी जेब में क्या है, खाट में क्या है, पास में क्या है, बाहर से संबंध टूट जाता है। शरीर खुद नहीं संपर्क जोड़ पाता बिना मनोमय कोष के। बिना मन के शरीर किसी से नहीं जुड़ सकता, शरीर कुछ नहीं पकड़ सकता। इसलिए शरीर का यद्यपि बड़ा महत्व है, इसके बिना बाहर से नहीं जुड़ते, पर मन के बिना भी शरीर क्या करेगा, क्या छुएगा, क्या देखेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। तो प्राणमय कोष के कारण क्रिया शक्ति तो है, पर मन के कारण सुख दुखात्मक इंद्रियों का संपर्क होता है। ये मनोमय कोष बहुत समझने लायक है, क्योंकि इन्हीं की शुद्धि से, जैसे पानी में मिट्टी बैठ जाए तो पानी साफ हो जाता है, नहीं तो गंदगी के कारण पानी साफ नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही आत्मा में ये पांच कोष, ये मैल हैं, ये जब छूट जाते हैं तब आत्मा शुद्ध रूप में प्रकट होता है। इसलिए इस नश्वर अस्थिर शरीर को जो ये बना हुआ है, ये मिट्टी के घड़े के समान है, जैसे मिट्टी का घड़ा होता है। ये खुद चेतन नहीं है, ये खुद आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है यही जानना है। ये मैं नहीं है, पर मैं इससे मिला हुआ शाभास अंतःकरण के द्वारा, जैसे सूर्य का सीधा संबंध घड़े से नहीं है। सूर्य कभी घड़े को मैं नहीं मानता, पर घड़े में जल पड़ा है, जल में सूर्य का प्रतिबिंब बन गया, वो प्रतिबिंब प्रकाशित होकर जल के और घड़े के साथ जुड़ जाता है। शुद्ध सूर्य नहीं जुड़ता। तो शाभास अंतःकरण विज्ञानमय मनोमय कोष इस देह से जुड़ते हैं, और इस देह से जुड़कर जो सुख दुख भोगते हैं उसके लिए एक नई श्रृंखला चला लेता है, बार 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 फिर शरीर प्राप्त करता रहता है। इसलिए इस शरीर को आत्मा नहीं जानना। ये हाथ पैर वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, ये मर जाता है। कम से कम ग्रंथों से सुना है कि आत्मा नहीं मरती। तुम्हें ग्रंथों को नहीं ठीक करना, ये ध्यान रखना। ग्रंथों ने जो कहा है ग्रंथों को छेड़छाड़ मत करो, ग्रंथों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने अनुभव के अनुसार ग्रंथों को मत सोचो, बल्कि ग्रंथों के अनुसार तुम सोचो। तो ये आत्मा जन्म मरण वाला नहीं है, विकारी नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है, विकारी है, पैदा हुआ खत्म होता है। आत्मा खत्म नहीं होती, भले अभी नहीं जानते, भले ये आत्मा अभी हमें नहीं प्राप्त है, नहीं मालूम है, नहीं खत्म होती ये सुना है, नहीं पैदा होती ये सुना है, पैदा देह होता है, तो जो पैदा होता है वो आत्मा नहीं हो सकती।
अभी इतना ही समझो, ये आत्मा नहीं है। आत्मा जन्मती मरती नहीं है, विश्वास करो, मिलेगी कुछ देर बाद, कुछ समय बाद। इसी कार्यक्रम में कोशिश करेंगे तुम्हें आत्मा मिल जाए, पर समझते जाओ, शास्त्र की बात पर विश्वास करो। आत्मा पैदा नहीं होती, आत्मा नहीं मरती, ये सुना है, पर ये तो पैदा होता है, इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता। उस कसौटी के आधार पर शुरू करो कि ये आत्मा नहीं है। आत्मा विकारी नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है, ये परिवर्तित तो होता रहता है, बदलता है। बच्चे से जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, ये कमजोर भी होता है, ये बलवान भी होता है, ये इंद्रियां भी कभी ज्यादा कभी कम देखती हैं, शरीर कभी ताकतवर कभी कमजोर होता है। आत्मा में इस तरह के लक्षण नहीं होते, इसलिए अभी आत्मा की कथा नहीं कर रहे। आत्मा की तो एक बात कह के छोड़ दी कि आत्मा जन्म मरण रहित अविकारी आनंद अद्वय, बस कहकर छोड़ दिया। कथा करेंगे पहले देह की, और देह की कथा करके बताएंगे ये आत्मा नहीं है। आत्मा क्या है अभी नहीं बताएंगे, वो तो आखिरी दिन तक पता चलेगा। कोर्स पूरा होगा तो समझ आएगा आत्मा क्या है, पर पहले बता दिया आत्मा के लक्षण। आत्मा सामने नहीं है। हम लोग कहते हैं बच्चों को कि बेटे गाय को रोटी खिलाया, रोटी दे दी, वो बाहर गया। वहां कई तरह के जीव बैठे थे, भैंस, गाय, गधा, घोड़ा, सुअर, तमाम थे। तो लौट के आया, माता मैं गाय को नहीं पहचानता, वहां तो बहुत तरह के थे, सब तरह की गाय नहीं हो सकती। घटा पटोना, घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा घड़ा नहीं है, ये यदि गाय होगी तो ये नहीं होगी, यदि ये गाय होगी तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरह के नहीं है। इसलिए बच्चा लौट के कहता है गाय कहाँ है, कहन बाहर है नहीं, कहने लगे वो तो बहुत तरह के। तो उन्होंने कहा बेवकूफ कहीं के, सींग होते हैं, सींग वाली गाय होती है, बाहर गया। सींग वाली एक ही जाति के नहीं थे, काली काली मोटी मोटी पंजाब की, हाँ सींग उसके भी थे, उसका नाम जानते हो ना, हाँ उसके भी सींग थे, सफेद सफेद उनके भी सींग थे, बकरी के भी। वो नाम नहीं जानता था बकरी, पर देखा कई तरह के हैं सींग वाले, तो फिर लौट के गया, सींग वाले कई तरह के जीव हैं, उनमें मैं किसको गाय मान के रोटी खिलाऊं, आपने तो गाय को खिलाने को कहा। लौट आया, माँ ने कहा बुद्धू सींग नहीं, सींग चलो कई के होते हैं, उसके पैर की खुरी फटी नहीं होती। अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया, तो जब गया तो पैर फटे नहीं थे घोड़ी के, उसके पैर फटे नहीं होते, और सबके दो आगे फटे रहते, तो घोड़ी को खिलाया। फिर पूछा मैंने जिसके खुर फटे नहीं थे उसको खिलाया, माँ कहती वो तो घोड़ा होता है, घोड़ी होती है, वो तो गाय होती नहीं। कहेंगे फिर गाय कौन होती है, अब देखा नहीं देखो, या देखे हुए पहचान नहीं, पहचान उसके आधार पर करेगा जो मां बता रही। उन्होंने कहा गाय के गले में, गाय के गले में एक झालर सी होती है, वो भी विदेशी गाय के नहीं होती, वो तो भैंस होती है, ध्यान रखना। यदि गोमूत्र गोदूध की महिमा गाई जाए तो ये भैंस को गाय मत समझ लेना, पहचान है। जिसके गले में झालर हो एक मांस का लटका भाग, वो गाय होती है। अब वो न घोड़े की थी, न भैंस के थी, न बकरी के थी, एक जाति में थी। उसने उसको रोटी खिलाई, गाय मिल गई। तो आत्मा का लक्षण बता दिया। उस आत्मा का लक्षण रखते हुए तुमको कहेंगे कि ये लक्षण आत्मा के जो बताए, सचिद आनंद अभिकारी अजन्मा अविनाशी चेतन, वो देह में लक्षण घटता है, तो ये आत्मा नहीं हो सकती। बस सीधी सी बात।
ये मैं नहीं हो सकता, इसको मैं नहीं मानू। बस अभी आत्मा क्या है वो तो ढूंढ रहे हैं, गाय क्या है अभी ढूंढो, पहचानो उसके आधार पर। यदि पहले ही कह के भेजते बेटे को कि गाय के गले पर झालर होती है, जिसके झालर हो उसको खिलाओ, तो बार बार नहीं आता जाता। एक लक्षण लेके जाता, सैकड़ों जानवर के बीच में वो गाय को ढूंढ लेता, क्योंकि वो और किसी के गले पे होगी नहीं, ना ऊंट के होगी, ना भेड़ के, ना बकरी के, ना सुअर के होगी नहीं, वो उसी के होती है। इसलिए आत्मा का लक्षण लेकर चलेंगे, जिसमें ना होगा कहेंगे ये गाय नहीं है, ये भैंस है, ये गाय नहीं है, ये बकरी है, ये गाय नहीं है, ये घोड़ा है, घोड़ी है। साफ कहते जाओ, नाम ना आवे तो कोई बात नहीं, नाम आवे तो कह देना, नाम आवे तो बताना, नहीं तो नहीं। जैसे मैं पूछूं ये क्या है, क्या बोलोगे? और ये हाथ है, ये हाँ, नाम जिनके जानते हो, फिर इसको आत्मा कैसे कहें? भैंस को गाय नहीं कह सकते, बकरी को गाय नहीं कह सकते। यदि जानते हो नाम तो कहो ये भैंस है, नहीं कह दो हम नहीं जानते पर इतना पक्का है ये गाय नहीं है। नाम नहीं जानो ना सही, इतना तो कहोगे कि गाय के लक्षण इसमें नहीं है इसलिए गाय नहीं है। बहुत छोटे सी साइज की एक, भले नाम नहीं जानते बकरी का, पर ये कह सकते हो ये गाय नहीं है। बस चूंकि गाय की पहचान इस पे नहीं मिल रही, तो जिसमें आत्मा के लक्षण ना मिले उसको कह दो ये आत्मा नहीं है। तो शरीर विकारी है, बदलने वाला है, पैदा होने वाला, मरने वाला है, इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकती। प्राण जड़ है, शरीर को चलाता है, लेकिन प्राण कुछ नहीं जानता। सोए हुए व्यक्ति के प्राण होते हैं कि नहीं? प्राण है लेकिन कुछ नहीं जानता, शरीर कहां पड़ा है। प्राण को शरीर का ज्ञान, प्राण जीवित व्यक्ति है, प्राण है, मरा नहीं, पर न देह को जाने न बाहर को जाने। शरीर की रक्षा के लिए प्राण बड़ा कीमती है, प्राणमय कोष बहुत अच्छा है, पर आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो वो होती है जिसको ज्ञान हो। आजकल लोग आकाश को भी दो हाथ करके बताते हैं कि यही है ब्रह्म, यही है भगवान, ये कटता नहीं, लक्षण मिल गया। विकारी नहीं, ठंडा गर्म आकाश नहीं होता, हवा गर्म हो जाती, आकाश गर्म नहीं होता। आकाश गीला नहीं होता, मकान गीले हो जाते, इसलिए ये ब्रह्म है। लेकिन जानते हो आकाश को कुछ पता नहीं कि कितने लोग बैठे हैं, मन की क्या हालत है, दुनिया बिगड़ रही है, आकाश को कुछ पता है? आकाश ब्रह्म नहीं हो सकता, प्राण ब्रह्म नहीं हो सकता। कई लोग आकाश को ब्रह्म बताते हैं, ऐसे ही कई बार ध्यान में लोग ज्योति दिखाते हैं। मैं भी दिखाना चाहूंगा, पर ये साथ में कहूंगा ध्यान में बहुत अच्छा है, पर ये ज्योति परमात्मा नहीं है। यद्यपि वेद में ज्योति रूप परमात्मा कहा, पर इस ज्योति को नहीं कहा। यदि ज्योति परमात्मा है तो सूर्य भी तो ज्योति है, फिर आंख बंद करके दिखाने की क्या जरूरत गधो। यदि ज्योति परमात्मा है, यदि यही पकड़ना है तो ज्योति परमात्मा है यही बता दो। तो चाहे बाहर की ज्योति है, चाहे आंख बंद करके ज्योति देखते हो, जो दिखती है देखती नहीं वो ज्योति जड़ है। जो ज्योति दिखती है देख नहीं सकती। क्या ये ज्योति तुम्हें जानती है? ये सूर्य ज्योति, ये चंद्र ज्योति, ये बिजली की ज्योति तुम्हें जानती है कि तुम ज्योति को जानते हो? तो भीतर भी जो ज्योति होती है उस ज्योति को तुम जानते हो कि ज्योति तुम्हें जानती? आत्मा को ज्योति जानती है या आत्मा ज्योति को जानती है?
तो ज्योति आत्मा है या ज्योति? आत्मा तो वो है जो ज्योति को जानती है, क्योंकि आत्मा ज्योति है, चैतन्य, ऐसी ज्योति नहीं जो और कोई जाने। आत्मा को दूसरा कोई जान नहीं सकता। यदि आत्मा को कोई दूसरा जान जाए तो दो होंगे, एक आत्मा जानी जाएगी और एक जानेगी। यदि जानी जाएगी तो वो आत्मा ही नहीं होगी, आत्मा तो वही होगी जो जानेगी। ये बात बड़ी गहरी है। परमात्मा को ढूंढना है यदि सचमुच सचमुच परमात्मा को ढूंढना है तो चमत्कार सहयोगी हैं, पर चमत्कार पूर्ण नहीं है। भगवान कृष्ण ने चमत्कार दिखाए, गीता पूरी नहीं हुई। भगवान ने बहुत कुछ दिखाया, विराट दिखा दिया, बहुत कुछ दिखा, अर्जुन के कोई भ्रम नहीं टूटे। यहां ज्योति दिखाने वाला भी संप्रदाय है, सिखों से झगड़ा चलता रहता है। सिखों से झगड़ा इसलिए चलना है कि रोज यहां एक पंथ पैदा होता है जो गुरुवाणी की सच्चाई से भिन्न है। इसी तरह से ज्ञान की सच्ची कसौटी से जो मत खरे नहीं है, वो गढ़े हुए मत हैं, पर गढ़ी हुई चीजें भी ना समझों को अच्छी लगती। तुम्हें तो भगवान चाहिए, तुम्हें मान लो सोना चाहिए, सोना चाहिए, महिमा सुन ली, पहचान नहीं, हमने वो गहने दे दिए, रुपया पूरा ले लिया, पर वो सुनहला नकली, तो ले जाके तो खुश हुए, कब तक खुश रहोगे? तुम नकली गहने ले जाकर खरीद कर ले गए, चमकीले, बढ़िया, देख के खुश। खुश होना कोई बड़ी बात नहीं है, खुश होना कोई सच्चाई की कसौटी नहीं है। स्वप्न में झूठी चीजें मिल जाती हैं, खुश नहीं होते, पर जग के कितना खुश होते हो। रात को लॉटरी आई, रुपया मिला, चुनाव जीते, बहुत खुश हुए, जाग के भी खुश रहते हो? क्यों खुश ना रहे? वो सब नकली निकला, असली था ही नहीं। तो आप सोना ले गए, खुश हो, सुनहले गहने चमकीले सोने से ज्यादा अच्छे। हरमंदर साहब क्या चमकेगा जितने वो चमकते फूले, पर तब तक खुश रहे जब तक किसी ने कसौटी से कसकर ये नहीं बताया कि ये सोना नहीं है, ये नकली है। नकली जानते लुट गए, रुपया भी चला गया, तुम्हारा समय भी गया, भगवान पाने की खुशी लेते रहे। बहुत संप्रदाय भगवान के दर्शन के कराग लेने की खुशी देते हैं, उनके चेले बड़े खुश हैं। हां, बुरा नहीं मानना, खुश भी हैं। कई बार तुम सिरमारी कर रहे हो, तुमसे ज्यादा खुश हैं, पर तभी तक खुश हैं जब तक ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान होगा तो उन्हें लगेगा हमें मूर्ख बनाया गया, हमें भटकाया गया, हमारा समय बर्बाद किया गया। ये आकाश को भगवान बताने वाले और रोशनी को ईश्वर बताने वाले बुद्धों के गुरु हो सकते हैं, बुद्धों के नहीं, समझदारों के गुरु नहीं हो सकते। ध्यान रखना, सभा में बोल रहा हूं, कमरे में नहीं, धीरे से कान में नहीं कहता। यदि कोई समझदार है तो इसका उत्तर दे सकता है। इसलिए अन्नमय कोश, आहा, आत्मा नहीं है। ये पैर हाथ पांव आत्मा नहीं है। ये देह, उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाएं, अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथकता स्वयं ही सिद्ध है। चूंकि ये लक्षण अभी आत्मा ना मिले, पर ये आत्मा नहीं है, ये साफ समझ में आ गया। अभी गाय हमें ना भी दिखे, हो सकता है वहां मौजूद ना हो उस झुंड में, और कहीं खड़ी हो, तो ये तो कह सकते हैं ये गाय नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, आकाश परमात्मा नहीं हो सकता, दिखने वाली रोशनी भगवान
नहीं हो सकती। दिखने वाला देह, बिगड़ जाने वाला देह, बूढ़ा होने वाला देह भगवान बोलो नहीं हो सकता। पैदा हुआ भगवान नहीं हो सकता। कसौटी से शुरू करो, यदि बुद्धू बन के चलोगे तो तुम्हें बुद्धू बनाने वालों की कमी नहीं है। बनने वाला हो, बनाने वाले बहुत हैं। एक जगह कहने लगे, तुम हमको मूर्ख बनाते हो। हमने कहा, हो कि बनाते हैं, तुम होते नहीं तो कोई बनाता कैसे। असल में तो पहले ही ना समझ को ही धोखा दिया जाता है। बुद्धू है, सिर्फ बुद्धू पने का फायदा उठाने वाले हैं जो लोग कहते बुद्धू बना दिया, धोखा दे के लूट ले गया। असल में तो बुद्धू पहले ही हो, ना समझ पहले ही हो, उसने बनाया नहीं, तुम्हारी ना समझी का सिर्फ फायदा उठाया। तो हम क्या मूर्ख बनाएंगे, कोई क्या बनाएगा, बने बनाए हो। अज्ञानी तो पहले ही हो, हम क्यों बनाएंगे। कई अज्ञानियों का फायदा उठाते हैं, कई अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं, फर्क इतना है। अनजान व्यक्ति को जानकार बनाना ये गुरु का काम है, और अनजान व्यक्ति का फायदा उठाना, थोड़ी खुशी का अनुभव कराना। जैसे देश के बांटने की बातें कह के कुछ लोगों को खुशी दी जाती है, जैसे हम लोगों को कुछ लोगों ने राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने की खुशी दिखाई, अब बीच में मुकर गए। बात समझ में आई। तो कई बार देश के अलग बनाने के सपने संजोए, अब जिनकी आस्था बन गई कि हमें देश मिल जाए, अब बेचारे दुखी होते हैं। अब उनको तो राजनीतिक फायदा चाहिए था। ऐसे ही कई गुरुओं को तुम्हारा धन चाहिए, तुम्हारा धन चाहिए तो तुम ऐसे तो दोगे नहीं, तुम्हें कोई फायदा दिखाएं। ये है भगवान, तुम्हें दिखा दिया, और तो सब भटकाते रहे, हमने भगवान दिखा दिया। ऐसे करके लूट लेते हैं और बड़ी जल्दी पनपते हैं। झूठे संप्रदाय जितनी जल्दी पनपते हैं, सच्चे नहीं पनप सकते। सचमुच ईश्वर की पहचान कराना आसान नहीं है, परम शांति तक ले जाना आसान नहीं है, पर झूठी चीज दिखाकर भगवान बताकर लूटना आसान है। और लोग लूटते भी जा रहे हैं, खुश भी है, और वो लोग कसौटी के विपरीत हैं। वो कहेंगे, तुम किसी के चक्कर में ना पड़ो, ये सोना है, रखे रहो, क्योंकि यदि कसेगा तो पोल पट्टी खुल जाएगी। यदि ही विवेक चूड़ामणि की कसौटी से लोगों के मतों को कसोगे ना, तो सब रद्दी निकल जाएंगे। इसलिए पहले कसौटी, अन्नमय कोष परमात्मा नहीं हो सकता। हड्डियों का समूह मांस से लिथड़ा हुआ, मल से भरा हुआ और अति कुत्सित देह अपने से भिन्न, अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है। देह क्या अपने को जान जाता है। लाश जब तक तुम ना हो तो इसे पता है। तुम जब स्वप्न में होते हो, इस देह को कुछ पता रहता है। तो जो देह ज्ञान स्वरूप नहीं है, बोध रूप नहीं है, या जिनमें ज्ञान भी है थोड़ी देर रहता है, वो भी इनका नहीं है। जैसे लोहे में जलाने की ताकत, लोहे में दूसरे को जलाने की ताकत लोहे की है कि आग की। आग उसमें है तो जला देता है, लोहा नहीं जलाता, उसमें प्रविष्ट है। ऐसे ही चिदाभास आंखों में आ गया, कान में आ गया, देह में आ गया, देह लगने लगी, चेतन है। ये धर्म चेतनता देह का धर्म नहीं है। इंद्रियों में चेतनता इंद्रियों की नहीं है, पर इंद्रियां उसकी ज्ञान की ताकत को ले लेती हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियां हैं।
इसी तरह कर्मेंद्रियां प्राण की ताकत ले लेती हैं, इसलिए करती हैं। शरीर चलता फिरता है, ये प्राणमय कोष है, ये तो केवल जो दिखता है बस ये है अन्नमय, इसमें प्राणमय है और इसी में मनोमय कोष है जो सुख दुख अनुभव करता है। यदि मन ना हो तो सुख दुख नहीं होगा, और सब हो सकता है, शरीर बढ़ सकता है, सोया हुआ शरीर बढ़ता रह सकता है, कामा वाला जिंदा रह सकता है, सुख दुख नहीं होगा। पेड़ बढ़ता है फलता है पर सुख दुख नहीं, क्योंकि उसमें मनोमय कोष नहीं है। पर यदि है भी तो पेड़ में मनोमय कोष सोया है, जैसे तुम्हारे में मनोमय कोष और स्वप्न में मनोमय कोष रहता है, सुषुप्ति में मनोमय कोष विज्ञानमय कोष नहीं रहता। इसलिए सोया हुआ पुरुष देह आदि दुनिया से संपर्क नहीं करता। क्या नहीं है? आत्मा नहीं है कि कोष नहीं है? बोलो, आत्मा है, मनोमय कोष नहीं है। स्वप्न में मनोमय कोष है, सुषुप्ति में नहीं। स्वप्न में मनोमय कोष है और जागृत में मनोमय कोष भी है, प्राणमय कोष भी है, अन्नमय कोष भी है, विज्ञानमय कोष भी है। पर अभी विज्ञानमय कोष शरीर मन इंद्रियों से प्रभावित है, इसलिए जो मन के अनुभव है वही बुद्धि स्वीकार करती है। बुद्धि अभी कोई विज्ञान को प्राप्त नहीं हुई, बुद्धि इनके अनुसार भी सोच सकती है और शास्त्र के अनुसार भी सोच सकती है। इनमें सुख दुख है, हम मर जाएंगे, ये भी तो विज्ञानमय कोष है। हम मर जाएंगे, हम जन्मे हैं, हम दुखी हैं, हम लूट गए, ये हमारी बुद्धि का तो विज्ञान है। पर ये विज्ञान मन के अनुसार है और मन इंद्रियों के अनुसार सुख दुख मानकर निर्णय करता है कि हमें तो दुख है, हमें तो चैन नहीं है। ये जो निर्णय तुमने किया विज्ञानमय कोष से किया, पर विज्ञानमय कोष अभी वास्तविक ज्ञान के लायक नहीं है। इसलिए विज्ञानमय कोष जरूरी मदद करेगा, पर यदि बहुत तुम सांसारिक हो तो ज्ञान सही नहीं होगा, जो ज्ञान होगा वो गलत होगा। जैसे समझदार तुम हो पर कभी गहना खरीदने में, कोई मशीनें खरीदने में धोखा खा जाते हो। हम तो बाजार में सामान लेना हो तो दूसरे से कहते हैं भैया हम नहीं जानते, हमें तो टेप रिकॉर्डर लेना हो, कोई चीज लेना हो, कल्पना को क्या ये कैसियो लेना है, तो अपन तो नहीं जाने, कोई बताएगा, तो शुरू में किसी के विश्वास के साथ सहारे चलेंगे। हम अपना भरोसा नहीं करते, आप अपने मनोमय कोष का भरोसा मत करो, ये बहुत महान नहीं है, ये तो भटकाता भी है, पर यही मन शुद्ध हो जाए तो कल्याणकारी भी है। यही बुद्धि तुम्हें ऐसा अनुभव देती है कि तुम फंसे पड़े हो, यही सार है। यही बुद्धि कहेगी ये आसार है, यही बुद्धि स्वप्न में अपनी वासना के कारण स्वप्नों को सत्य देखती थी, सुख दुख हुआ, जागकर बुद्धि ने मान लिया कि वो तो झूठा है। आपने तो नहीं माना, जग जाने के बाद जो रुपए चोरी गए थे सच्चे? स्वप्न में तुमको कोई भेंट दे गया बहुत खुश थे, जागकर कितने खुश हो? अभी जो तुम्हारी खुशी है, अभी जो तुम्हें आनंद है, ये ज्ञान का नहीं है, ये कोषों में फंसे हो। सुख भासता है, दुख भासता है, बिल्कुल भासता है। बधाई के पात्र हो जो आपको विवेक चूड़ामणि सुनने को मिल रही है। इसलिए इस गंदे इस देह को जिसमें सब कुछ भरा है, विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक मानते हैं। ये मैं नहीं होता, अभी नहीं भी पता मैं क्या हूं, अभी ये नहीं पता मैं क्या हूं, तो ये तो समझो ये मैं नहीं हूं। वही गाय का ख्याल रखो, ये गाय नहीं है, क्योंकि इसमें लक्षण नहीं मिलता, इतना तो मान लो,
मैं नहीं जानता कि गाय कैसी है, पर पहचान मैंने रखी है, मिलेगी तो जान लूंगा, नहीं मिलेगी तो जानूंगा, ये नहीं है। आत्मा की पहचान लेकर सोने की कसौटी, लोग शहद लेते हैं, हमें अभी तक नहीं अकल आई। कोई कहते मक्खी को बिठा दो, यदि उड़ जाए तो शहद है, अचिपक जाए तो वो क्या है, शकर का वो चाशनी है, कहते हैं। तो पहचान, बिना पहचान के लोग धोखा खाए हैं, खा रहे हैं, खाते रहेंगे। पर चलो दुनिया में धोखा खा जाओ, शहद की जगह चाशनी ले आओ, बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। पर तुम आत्मा और ब्रह्म की जगह शरीर लिए फिरो तो मरो। इसको मैं बना के बिठा लो, पाल लो तो दुखी हो। और तुम दुखी किसके कारण हो? मरने के कारण कि देह मैं हूं इस ज्ञान के कारण? स्वप्न में उस देह के मरने से दुखी होते हो कि नहीं? कोई खतरा हो, जग जाते हो तब? क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं आत्मा के अज्ञान से, पहचान न होने से, किसी को मैं माने बैठे हो अनादि अज्ञान के कारण, इन पंच कोशों में फंसे हो। ये पांचों कोश छिलके उतारो, ये कोश से तलवार अलग करो, कोश को अलग करो तो तलवार दिखे। मैं कौन हूं ये मालूम पड़े जब देह उतारो, जब प्राण उतारो, मन को उतारो, बुद्धि विज्ञान को उतारो। और जो आनंद भोगते हो, कभी मन की चीज मिल गई, मन की चीज मिली, वाह फूल गए, ये कोश है, ये आनंद नहीं है, उस आनंद की झलक है। जैसे इसमें मेरा मैं पना, जैसे घड़े में घड़े का है पना, मिट्टी का है, पर घड़ा अनित्य है, मिट्टी नित्य है। ध्यान रखो, यद्यपि घड़े का घड़ापन मिट्टी का है, पर यदि घड़े को मिट्टी मान लो या मिट्टी घड़े को मैं मान ले, तो वो सोचेगी मैं पैदा हुई हूं, मैं मर गई। है वहां मिट्टी, पर घड़ा मिट्टी नहीं है। इसलिए पहले विवेक पूर्वक, तुम आंख में हो पर तुम आंख नहीं हो, तुम कान में हो पर कान नहीं हो, तुम मन में हो पर मन नहीं हो, तुम इनके बिना भी हो पर इनके बिना होने का मौका ही नहीं। सो जाते हैं तो आनंदमय कोश में फंस गए, विषय सुख में आनंदमय कोश में फंस गए। जब मन की चीज मिलती है, वह सुखानुभव तुमको बेवकूफ बनाए है, वो सुख तुम्हें बांधे हुए है, तुम सच्चे आनंद को नहीं खोज सके, इसी को आनंद बाके दोहराते रहे। और ये कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानी इसी को आनंद मान के दोहराते हैं। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं कि जब तक देहाभिमान और ये कोश उतार कर तुमने अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जाना, तो कितने ग्रंथ पढ़े हो, कितने बड़े गुरु बन गए हो, तुम मुक्त नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। कई बार समझाने की भी अकल पढ़ के आ जाती है, कोई थोड़े दिन पढ़े तो समझा लेगा कि मन मैं नहीं हूं, पर मन के लिए ही मरता रहेगा। तन कहेगा मैं नहीं हूं, पर तन के लिए रोएगा। क्या जागा हुआ व्यक्ति स्वप्न के शरीर के नष्ट होने के लिए दुखी होता है? क्या स्वप्न में स्वप्न के शरीर के नष्ट होने का दुख नहीं होता? दोनों सोचो, स्वप्नावस्था में स्वप्न के शरीर को नुकसान पहुंचाए तो दुख होता है, पर जाग जाने पर बिल्कुल नहीं बचा, पूरा ही खत्म, चोट नहीं सब खत्म, फिर भी दुख नहीं होता। यदि पंच कोशों के देह को, पंच कोश को तुम मैं नहीं जानते, इससे विलक्षण आत्मा का तुमने अनुभव कर लिया, तो शोक कैसे, मोह कैसे, चिंता कैसे, कैसे मर जाओगे? स्वप्न में रहते कुछ नुकसान हो जाए तो रोगे, स्वप्न रहते यदि कोई देह बचाने का उपाय बता दे, इलाज करा दे, तो एहसान मानोगे। नींद खुल गई, तुम पहले बीमार हुए थे, फिर इलाज कराया, अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया, जग जाने पर डॉक्टर के इलाज की कितनी खुशी,
क्या है सांग? ज्ञानी पुरुष का फिर कोई मित्र और शत्रु नहीं रह जाता, क्योंकि ज्ञानी पुरुष का नुकसान कोई कर नहीं सकता, ज्ञानी को कोई फायदा पहुंचा नहीं सकता, इसलिए ज्ञानी का कोई शत्रु और मित्र नहीं रहता। इसलिए देह को मैं मानना अच्छा नहीं है। इसलिए ऐ मूढ़, इस देह में तू आत्मबुद्धि का त्याग कर। इस मांस मेदे से बने हुए इस देह में मैं बुद्धि न कर, और सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिम परमां भजस्व। और निर्विकल्प चिन्मात्र चैतन्य में, मन में नहीं, इंद्रियों में नहीं, इच्छाओं में नहीं, तो इन सब के इस अहंकार वाले मैं में नहीं, जो अपने को बदलता मानता है मैं इसमें नहीं, तो शुद्ध चैतन्य में मैंपन कर। इनसे मैंपन हटा, मैंपन हटाना है और मैंपन को सत्य के साथ जोड़ना है। यदि ये कर ले तो तू मुक्त हो जाएगा, यदि ये नहीं करेगा और ये पूर्व ग्रह बैठ ग्रंथि निनुआरा अंदर बैठ के तुमको ही बिनना है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैंने सुना दिया। जब तुम दुखी होगे, जब तुम कल्पनाएं करोगे, उस समय ये कल्पनाएं मेरा स्व नहीं है, ये क्षण भर की है, मैं तो सदा हूं, ये स्मरण कौन करेगा? तुम्हारी जगह मैं करूंगा ना। बोलो तो जब तुम्हारे अंदर दुख चिंता भय आए तो इसका स्मरण कौन करेगा? मैं तुम्हारे बदले कर दूंगा ना। शंकराचार्य यही तो कहते हैं, तुम बीमार हो तो दवा मैं खाऊंगा क्या? टांग तुम्हारी दुखती है, दवा मैं अपनी टांग में लगाऊंगा? मैं को देह तुम मानते हो, मैं को ब्रह्म, ब्रह्म को मैं तुम्हें जानना है। यदि तुम मैं को ब्रह्म नहीं जानोगे, देह ही जानोगे, तो मरोगे। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा, धुंधला रहेगा, तब तक चैन नहीं पाओगे। इसलिए विवेक चूड़ामणि, ये बुद्धू बनाने का ग्रंथ नहीं है, बुद्ध बनाने का ग्रंथ। ये दिल बहलाने का ग्रंथ नहीं है, जगाने का ग्रंथ है, बोध ग्रंथ है। इसलिए मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, पर मैं अभी पूरा कह पाऊंगा, अभी मैं दावा नहीं कर सकता। और मैं जल्दी जल्दी कह पाऊं तो तुम्हारे विज्ञान में, अनुभव में बात आ जाए, ये भी गारंटी नहीं करता। पर यदि तुम मेरी बात श्रद्धा से सुनोगे, सच्चे मन से सुनोगे, तो मैं जरूर दावा करता हूं, आज नहीं कल हम भी, यदि तुम हमारे पीछे पड़ जाओ ना, तो हम तुम्हारे पीछे सौ पड़ जाएंगे। नहीं समझ में आई? हाँ, यदि तुम हमारे पीछे पड़ जाओगे तो जनाने के लिए हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि हम तुमको यदि जनाने वाला चाहिए तो हमें भी जानने वाला चाहिए जो जानना चाहे। नहीं, हमारी मेहनत बेकार। ये आद्य जगत गुरु आचार्य शंकर के ग्रंथ जानने की इच्छा रखने वालों को लिखे गए हैं, जनाने के लिए लिखे गए हैं, जानने के उत्सुक लोगों को लिखे गए हैं। तो जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, वो यहां आए। और ये विषय जंगल है, ये विषय जंगल है, इसमें मन रूपी शेर रहता है। हाँ, ये मन रूपी शेर विषय जंगल में घूमता है। साधक जिज्ञासु को चाहिए वहां ना जाए, नहीं ये शेर तुम्हें खा जाएगा। मन को घूमने दो विषय जंगल में, तुम वहां मत जाओ। यदि तुम विषयों के लालच में गए तो मन तुम्हें खा जाएगा, मन तुम्हें निगलेगा। जो भी बाहर के सुख के लिए दौड़े उनको ये शेर। इसलिए साधक को चाहिए जहां मन घूम रहा है, जिन संसार में विषयों में,
साधक वहां ना जाए, ब्रह्म में रहे, और तुम ब्रह्म में आए शेर मर जाएगा। हाँ, वो शेर जितना जिंदा तुम्हारे कारण है। तुम जिस पानी में पार करना है वहां मगर रहता है, कामना वासना का मगर रहता है। पार होने जाओगे पहले मगर ही तुम्हें डस लेगा, खा लेगा। समझदार को पहले कामनाओं के बंधन को काटे, फिर सागर में तैरे, फिर कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा रास्ता है, भाग्यशाली लोग यहां चलेंगे। जब तक विद्वान असद्य इंद्रियादि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, जब तक विद्वान असत देह, नाशवान देह, इंद्रियां क्षण भर रहने वाली, नींद में छोड़ जाने वाली, नहीं छोड़ती आपको, मन स्वप्नों तक आगे वो भी नहीं साथ जाता, ये न रहने वाले देह इंद्रियादि में भ्रम से उत्पन्न हुई अहंता, अज्ञान से पैदा हुआ ये मैं हूं, ये मैं हूं, इसको जो नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों ना हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। इसमें मैंपन त्यागो, इस मन से मैंपन त्यागो, क्योंकि यह मन जब तक मैं है, इस मन को ही पालोगे आप, ये दुखी भी करता है। जब तक देह आदि संबंधों से, संसार से मैं मेरापन रहता है, यही दुख का कारण। दुख का कारण केवल देह नहीं है, यद्यपि देह के कारण ये भाव पुष्ट होता रहता है। इसलिए पहले देह रहते अहंता छोड़ो, फिर देह आप ही छूट जाएगा, फिर दोबारा निर्मित नहीं होगा, क्योंकि इसके निर्मित करने के लिए 5 कोष हैं। आनंद के लिए पुनः सृजन करते हो, जब भी विषयों का सृजन किया, किसी में सुख बुद्धि करके उसे पाया, आनंद के लिए, आनंद के पाने के लिए हम उस अवस्था को बार बार पाना चाहते, उसके लिए मन और इंद्रियों का सहारा लेते हैं, फिर विषय खड़ा करते हैं। जागृत में विषय तो तुमको लगता है हमें खड़ा नहीं किया, ये मौजूद था, पर स्वप्न में तो खड़ा किया। जागृत में भी सुख बुद्धि तुम खड़ी करते हो, अनादि अज्ञान और संस्कारों के कारण जागृत में भी जो सुख बुद्धि कहीं हुई है वो भी तुम्हारी ही रची है, समझ नहीं पाते। तुम्हारा ही प्रेम हो जाए तो सुख लगने लगता है। सब आदमी एक तरह के, सब औरतें एक तरह की, पर जहां प्रेम हो गया उसमें अच्छाई दिखती है। लैला मजनू की कथा सुनी है, मजनू को लैला अच्छी लगती थी, लैला से अच्छी कोई लड़कियां नहीं रही होंगी। जो लड़के पागल हैं किसी के प्रेम में, या कोई लड़कियां जो पागल हैं उनसे लड़के अच्छे नहीं है, पर है। मन रीझ जाए गधी में तो परी का क्या काम, यदि गधी में मन रीझ जाए तो परी बेकार। यदि लैला पर मजनू रीझ गया, लोग कहते हैं मैं तो उस समय नहीं था, जिन्होंने लैला मजनू की कथा कही है उन्होंने ये मुझे सुनाया है कि लैला अच्छी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, काली थी। पर यदि कोई मजनू को कहे कि अरे अच्छी सुंदर से हम तेरे को प्यार कराते हैं, मिला देते हैं, तो लैला कौन सी अच्छी है, तो मजनू कहेगा मेरी आंख से लैला को देखो, उसकी अपनी आंख है। तुमको जो सुख कहीं नजर आते हैं तुम्हारी समझ है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा मन है। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा मन है वो विश्व की कसौटी में सच्चा हो। किसी और से लैला को दिखवाते तो रिजेक्ट कर देते, बहुत लड़के उसे रिजेक्ट किए होंगे, वो तो एक ही बुद्धू है मजनू जो चक्कर में आया है। ये मजनू होते ही ऐसे ही है।
ये कोई मजनू दिमागदार थोड़ी होते। पर कभी कभी रितंबरा कहती है कि भाई यदि तुम ये पीते हो तो नाम की ढली भी पियोगे। यदि मजनू किसी पर रीझ सकता है तो हो सकता है ये रीझ ना कल बदल जाए। यदि आप कहीं मन को लगा सकते हो तो हो सकता है सुमिरन में लगा सकते, संभव है। इसलिए जो लोग कहीं पागल हैं, चलो पागल बहुत समझदार न संसार में पागल है न भगवान के लिए, ये ज्यादा ही समझदार है। ज्यादा समझदार न संसार में ही, हमेशा संदेह, हमेशा शक, हमेशा गड़बड़, ये ना हो जाए वो ना, संसार में भी चैन में नहीं, अब भगवान के में जाएंगे हैं, ये क्या है, ये राम नाम कोई भजन हुआ? राम राम तो पैदा हुए थे, सच्चा राम कौन है? ऐसे अरे हम कहते हैं राम नाम में रिझो कल सच्चा मिल जाएगा। कल परसों मैंने कहा था झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोए। शुरू तो करो, रिझो तो, पियो तो, पीना तो सीखो, प्रेम करना सीखो, हो सकता है भगवान से हो जाए। ममता करना सीखो, ये ममता हो सकता है सबकी ममता ताग बटोरी, सब जगह की ममता हटाकर भगवान में हो जाए। अभी आपको मैं करना आता है देह के लिए, इंद्रियों के लिए, हो सकता है मैं ब्रह्म के लिए आ जाए, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म। इसलिए ये जो दुर्गुण है यही गुण है, ये मैं ही बंधन है, मैं ही मुक्ति है। ये जो मैं लगी है इसी मैं को तो लगाना है, ये जो ध्यान लगा है संसार में उसी को तो लगाना है। जो आपकी चतुराई संसार में है यही चतुराई भगवान की तरफ लगाओ, परखो। शादी करने के लिए तो चला के, बुलवा के, नचा के, गवा के, आजमा के, हाँ आजमा के, पहले आजमा लें तो भगवान को भी एक बार आजमाओ। सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। सबको अजमाया बार बार, परमात्मा को अजमाओ एक बार। अजमाओगे ना, तैयार हो, बहुत अच्छा। यदि तैयार हो, अभी तो सब मैं मिला देता हूं, लगातार पढ़ूं तो अन्नमय कोष का अलग है, प्राण का अलग है, मनोमय कोष का बड़ा, सारी झंझट मनोमय कोष की है। और मनोमय कोष को न बदल पाने का कारण विज्ञानमय कोष मनोमय से प्रभावित है, मन के अनुभवों से बुद्धि प्रभावित है। यदि अपनी अकल काम न करे तो एक अच्छा रास्ता है कि तुम अपने से पूर्ण किसी व्यक्ति का विश्वास करो, जो धोखा नहीं देगा, जो तुम्हें रास्ता बताएगा, उसके आधार पर चलो तो भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब मनोमय कोष, जो सुख दुखादि अनुभव होते हैं ये मनोमय कोष के हैं, अच्छा बुरा लगता है। बुद्धि विज्ञानमय कोष है जो इनको मानती है, पर बुद्धि आज नहीं कल, भगवान ने जो दे दिए तुम्हें अनुभव भी देगी कि दुख इसीलिए हुआ, चिंता इसीलिए हुई, गलती के कारण ये हुआ, ये आदत पड़ी, अब छुड़ाना मुश्किल। तो ये तुमको अकल जो है अच्छे रास्ते ले जाएगी, ये विज्ञानमय। पर आनंद के लिए सब गड़बड़ा देते, सारी बुद्धि लड़खड़ाई, मन भागा, बार बार दौड़े काय के लिए, आनंद के लिए। जितनी गलतियां हैं वो सुख के लिए हैं। और यही भ्रम है कि विषय के मिलने से सुख होता है, ये इंद्रियों के द्वारा विषय संपर्क से जो सुखानुभूति हुई इसको हमने सच्चा माना। होती है, निश्चित होती है, खट्टा मीठा लगता है, पर ये इंद्रिय ही सत्य नहीं है, ये मन ही देर तक उसका सुख नहीं लेता। यदि मीठा मीठा खिलाए जाए डायबिटीज वालों को, जिसके लिए मौका निकालते हैं, तो थोड़ी देर बाद कहेंगे हटाओ, ज्यादा मीठा नहीं खा सकते, ज्यादा नमकीन देर तक नहीं, ज्यादा नमकीन नहीं खा सकते, वो भी सेट है, इससे मिलता जुलता ही नमक चाहिए। यदि आपको बिल्कुल विपरीत की बात करेंगे तो कल हम निमंत्रण दें, नमक खूब डालेंगे तो दाल भी नहीं खाओगे, सब्जी भी नहीं खाओगे,
बल्कि नमक से रोटी खा सकते हो, केवल नमक से रोटी खा सकते हो, पर सब्जी दाल में यदि हम ज्यादा डाल दें तो दाल नहीं खा सकते। एक अनुपात है, ये भी इंद्रियों का स्तर है, कब सुख लगता है कब नहीं लगता। भूख लगती है तो भोजन अच्छा लगने लगता है, यदि अच्छा ही लगता है ये सत्य है तो हम तुमको खिलाए जाएं, अच्छा लगता रहे। ये संसार जो तुम्हें अच्छा लगता है ये अभाव के कारण, अभाव के कारण बहुत आकर्षण है, यदि तुम्हारे गले लगा दिया जाए तो आकर्षण मिट जाएगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं जो मजा इंतजारी में है वो वसल यारी में नहीं है, जो विवाह के पहले है मिलने में है वो बहुत दिन मिलने के बाद नहीं रहता। इसलिए विवाह प्रेम की मौत है, विवाह प्रेम की मौत है, अभाव प्रेम का जन्म है, अभाव से प्रेम जन्मता है। तरसते रहो, थोड़ा इंतजार करो। इसीलिए भगवान के मंदिर में बिहारी जी के पट बंद करते रहते हैं, लगातार देखने नहीं देते, नहीं तो वैसे ही चल पड़ोगे। पहले बेटियों को कुछ देर को मायके बुलाया करते थे, अब ये लोग 2400 घंटे रखते हैं, थोड़े दिन में लड़ना शुरू कर देते। जो विषय तुमको लगातार प्राप्त रहेंगे मन हट जाएगा। आकर्षण मिटाने का ये भी तरीका है कि तुम्हारे ऊपर लाद दिया जाए। मेरे को जब भोजन ज्यादा लाते हैं तो जो खाता हूं वो भी खत्म हो जाता, पर प्यार में लोग इतना लाते हैं कि देखे के भूख खत्म। जिस चीज से वैराग्य कराना हो वो अधिक तुमको दे देना चाहिए, अपने आप उगता जाओगे, बचना शुरू करोगे। पीछे पड़ जाए ना कोई औरत तो कान पकड़ोगे। तो दो ही रास्ते हैं, या तो विवेक का रास्ता है या एक बार सागर में डाल दो आप ही तैर तैर के मरेगा, तब कहेगा मुझे किनारे, मुझे उबारो, मुझे निकालो इससे, पीछे छुटाओ, मैं तो चक्कर में आ गया। एक महात्मा कंबल बहते देखा, कंबल कंबल देखा था कि नहीं, यही तो चक्कर है, कंबल दिखाई पड़ा। जिसकी जरूरत होती है वही दिखाई पड़ने लगता है, कंबल दिखाई पड़ा। एक कहते अरे कह चक्कर में न पड़ो, तो कूद गया। अब जब वो गया तो रीछ था, रीछ बाल बाल दिखाई दे रहे थे, रीछ था, तो जो पकड़ा तो वो इनके ऊपर चढ़ बैठा, भेजा था। अब ये ऊपर नीचे हो तो किनारे वाला भाई मित्र कहता है कम्बल को छोड़ दे। कहने लगे कम्बल को मैं तो छोड़ दूं, अब कम्बल छोड़े तब ना। कई बार प्यार करने वाला छुड़ाना चाहता है, पहले कर लिया गलती में, लेकिन अब छूट जाए तब ना, वो तो छोड़े बड़ा मुश्किल है। इसलिए जिंदगी को जीना ना समझो के बस का नहीं है। यदि जिंदगी ठीक जीनी है, मुक्त होकर जीना है, तो विवेक की, वैराग्य की, सत्संपत्ति की, मुमुक्षुता की जरूरत है। फिर जिंदगी में जिंदगी आएगी, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कराना चाहिए। यदि जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, फिर आत्महत्या करनी चाहिए, जहर खा के मरना चाहिए। या तो जीना सीखो या मरो। अब आप 5 मिनट ध्यान करो, शेष चर्चा कल। जैसे सपनों से एक साथ मुक्त हो जाते हो, भगवान ने उदाहरण दिया है, जागते ही स्वप्न याद भी आते हैं, सब कुछ होता है पर लगता है झूठ है। स्वप्न से जग जाने पर स्वप्नों के अच्छे बुरी बातें याद भी आती हैं, पर जाग जाने के बाद चिंता नहीं रहती। आज तक जो भी अनुभव किया, मैं, मेरा, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, जो भी किया है, देखा है, अनुभव किया है, सब झूठ है, सब झूठ है। केवल चैतन्य आत्मा सत्य, तू चेतन, तू चेतन, मन नहीं, मन के बिना चेतन, इंद्रियां नहीं, इंद्रियों के बिना, ये तो गए, जो स्वप्न में था सब गया,
एक साक्षी छोड़कर, स्वप्न के बच्चे, बीवी, देह, जमीन, आसमान, अच्छे बुरे, सांप बिच्छू, जो पाप या पुण्य, चोरी या हत्या जो स्वप्न में की थी, जागकर झूठी निकली। जो मित्र थे वो भी स्वप्न के थे, झूठ थे। अब उसकी क्या चिंता करना। एक बार जगत को मिथ्या माया मात्र अज्ञान माया ने संसार खड़ा किया है, इसलिए वास्तविक नहीं है। स्वप्न में मन ने खड़ा किया, मन भी माया ही है, मन भी अविद्या ही है। तो मन से छूट गए, सबसे छूट गए। मैनू मार, मैं को खत्म कर, अहंकार खत्म कर, मन के अनुभव फेंक, जो भी अनुभव किए हैं एक बार फेंक दे। जैसे स्वप्न से जागा हुआ आदमी मुक्त होता है, अभी अभी जाग, तू चेतन है, साक्षी है, आत्मा है, ब्रह्म है। सारा जगत, जगत यही नहीं जो दिखता है, जिन इंद्रियों से दिखता है ये भी, जिस मन से इंद्रियां देखती हैं ये मन भी, और जिस बुद्धि से आज तक तूने निश्चय कर रखा है ये सब कुछ है, आज निश्चय कर ये कुछ भी नहीं है, एक चिन्ह मात्र सत्ता है। पांचों कोष उतार कर फेंक, नंगा हो जा, नंगा खुदा से चंगा। मन फेंक, कोष उतार, अज्ञान उतार, आनंद उतार, विक्षेप, मन की चंचलता, सुख दुख पाने की आशा, देह को बचाने का, ये सब झूठ है, ये सब ख्यालों से रचा है। मन स्वयं एक माया ही है। मन जो खड़ा कर देता है सच्चा लगता है, मन माया है। माया नहीं जानते, जाने दो भाड़ में, ये मन ही माया है, ये झूठ है, ये सब कुछ सच करके खड़ा कर देता है। जागृत में, स्वप्न में, ये जैसा रीझ जाए वैसे ही खड़ा करता है कुछ भी नहीं। पर इस मन को झूठा करना कितना कठिन है। मन का अंत करे सोई संत, मन को मिटा दो, मन झूठा है। एक बार तुम जानो, स्वप्न की तरह ये सब पैदा हुआ है, ये कुछ भी सच्चा नहीं है, सच्चा सिर्फ आत्मा है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्म नाशा। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब स्वप्न। ज्यों स्वप्ना और पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। चैतन्य आत्मा के सिवा सच कुछ नहीं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोय। सब चेतन है, सब चेतन है, चेतन बिन नहीं कोय। चेतन सत्य है, चेतन नहीं ज्योति है, मन ज्योति नहीं। मन तो चेतन ज्योति को लेकर मन ज्योति बन गया, मन ज्योति को लेकर इंद्रियां ज्योति बन गई, इंद्रियों की ज्योति लेके विषय चमक उठे, प्रकाशित हो गए। असल में तो प्रकाश चेतन का है। दुनिया में एक ही प्रकाश है, वो है चैतन्य प्रकाश, चित प्रकाश, आनंद प्रकाश, सत्य प्रकाश, नित्य प्रकाश, अविकारी प्रकाश, अविचल प्रकाश, अचल प्रकाश, अजन्मा प्रकाश, नित्य प्रकाश। और सब कल्पना, कल्पना मन में बैठ जाए तो मुश्किल से निकलती है। पर भगवान ने हमें अनुभव दिया है कि स्वप्न तो ऐसे ही लगता था, कहां सच निकला। उसी का उदाहरण लेकर, जो भी देखा सुना है, जो किया है, जो पाया है, आज तक के अनुभव को आग लगा दे। एक नया अनुभव जगा कि मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं मुक्त हूं, मैं निष्पाप हूं। ये जन्म मरण देह का है, सुख दुख मन का है, भूख प्यास प्राण के हैं, ज्ञान अज्ञान बुद्धि का है। ज्ञान और अज्ञान बुद्धि, सुख दुख मन, भूख प्यास प्राण, पैदा होना मरना शरीर, तुम कौन हो? जन्म मरण रहित चेतन। अहंकार सीमित है, यहां है, कभी है, कभी सो जाता है। अहंकार सो गया था कहता है, जग गया हूं कहता है, ये अहंकार है। तुम कब जागे, तुम कब सोए, ये तो अहंकार के अनुभव है। ये तो बुद्धि का विज्ञान है कि मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, सुखी दुखी ये मनोविज्ञान है।
ये विषयों में सुख इंद्रियों का स्तर है, तू चैतन्य है, आत्मा है, ब्रह्म है, इस सत्य को जान, सुखी हो जा, इस सत्य का अनुभव कर, जीवन को धन्य कर। इससे ऊंची कोई विद्या नहीं है, पर इस विद्या के पाने में साधना, इस विद्या के पाने के लिए श्रद्धा, इस विद्या के पाने के लिए पूरा आमूल परिवर्तन, आप आज तक की सोच बदल डालनी, नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए, मैं क्या बदला, सारी दुनिया बदल गई, सोच क्या बदली, सब बदल गया, कहां मैं दुखी चिंतित अशांत, कहां दुख का लेश नहीं, चिंता का लेश नहीं, भय नहीं, दुख नहीं, अमन हो जा, बुद्धिहीन नहीं, बुद्धि क्या लेना बुद्धि से, बुद्धि ने मन से इंद्रियों से प्रभावित होकर हमें फंसाने में मदद की, अब आज इन सब से बुद्धि पहले मुक्त कर दे, अभी इतनी बुद्धि, ये सब झूठा है, ये सब अनित्य है, सब माया का है, अंत में बुद्धि एक बार साथ दे, मैं चैतन्य हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं बोध रूप हूं, चिन्ह मात्र हूं, मैं असीम अनंत हूं, सारा संसार मुझ में स्वप्नवत है, मैं इसका साक्षी सत्य हूं, सब स्वप्न है सत्य मैं हूं, सब कल्पना है निर्विकल्प मैं हूं, सब इमेजिनेशन कल्पना है पर मैं अस्तित्व हूं, सब पैदा हुआ मिट जाता है, मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, ऐसा स्मरण करना सीखो, अभी यही समाप्त करते हैं, ओम शांति शांति शांति।